मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक का 190 वर्ष का इतिहास, संघर्ष का, उन महान क्रांतिकारी वीरों का जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निशावर कर दिया। बहुत बड़ा संघर्ष का काल, देश विदेश में जाके प्रचार करने वाले, जान हथेली पर रखकर सब कुछ होम कर देने वाले, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में सब कुछ आहुत कर देने वाले, ऐसे उन अनगिनत महान क्रांति वीरों को, क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को कहीं भी इतिहास में दिखाया नहीं गया, कहीं भी। इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यद्यपि मैं 350 से ऊपर वीडियोस दे चुका हूं, लेकिन इस YouTube के अंदर 288, आज शायद 289, वो कहां चली गई सारी, मैं देखूंगा। अगर नहीं मिलेंगी इसमें, मैं नहीं अगर उनको ठीक से लोकेट ट्रेस कर पाया तो फिर से दे दूंगा। लेकिन इस कालखंड के 400 नायक और नायिकाएं हर आयु वर्ग के, वो जिन्होंने सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को चुनौती दी और विशाल बहुत बड़ी सत्ताशाही को ललकारा, और आखिर में इसी कारण से डरकर भागकर आखिरी चोट ने तक सुभाष चंद्र बोस की, उसके साथ उस समय की घटनाएं और भी बीसों हैं, लेकिन वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का एक 90 वर्ष का इतिहास, 1857 से 1947 तक का, ये तो उस बीच के ही कुछ क्रांतिकारियों की, या कुछ उसके पहले की भी कुछ दाएं बाएं हुई हैं। अगर मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन इस काल के 400 नायक नायिकाओं को देने के बाद मैं थोड़ा इतिहास के पीछे जाऊंगा, और इतनी पीछे जाऊंगा कि 800,000 साल का इतिहास, सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, 1,000 नायक नायिकाओं को, हर वर्ग के, हर तरह के, उन महान देशभक्तों को, सेनानियों को, उन क्रांति वीरों को, उन बलिदानियों को, कुर्बानी और बलिदान के लिखने वाले स्वर्णिम पृष्ठों वालों को, और उसके साथ साथ जिन लोगों ने गद्दारी की और विदेशियों के साथ मिलकर के इस देश को गुलाम बनाने में जो सहायक सिद्ध हुए, ऐसे गद्दार लोगों की चर्चा भी मैं समय समय पर आपके साथ करता रहूंगा। अब हम देखें कि कितना बड़ा मजाक है कि हमें बताया गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी। चलिए हम थोड़ा सा इसको इस ढंग से लें। 190 वर्ष के लगातार संघर्ष के बाद इस प्रकार हम मान लें कि भारत ने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन 190 वर्ष के स्वाधीनता संघर्ष में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निरपराध स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों की निर्मम हत्या और नरसंहार की असहाय पीड़ा झेलने के बाद भी हम ये कहें कि हमने आजादी अहिंसा के मार्ग से प्राप्त की है, तो उन बलिदानी वीरों के प्रति इससे बड़ी कृतघ्नता भला और क्या हो सकती है। सबसे अधिक कष्टदायक त्रासदी तो ये है कि 19वीं शती के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण से विकसित होने वाले अहिंसक आंदोलन के सूत्रधारों ने, नेहरू गांधी एंड कंपनी ने, अपने उस आंदोलन को पल्लवित करने वाली क्रांतिकारियों के द्वारा तैयार की गई भूमि के अस्तित्व को भी ही नकार दिया।
नहीं, उनका तो योगदान ही कोई नहीं है। जन क्रांति की जिस धरती पर राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन विकसित हुआ, आगे बढ़ा, उस धरती को अपने खून से सींचने वाले धरती पुत्रों को उपेक्षित, तिरस्कृत, यहां तक के प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। यही कारण है कि हमारे देश की वर्तमान पीढ़ी उन सैकड़ों बलिदान, हजारों बलिदानियों के नाम तक से अपरिचित है, जिन्होंने स्वयं को धरती के भीतर दबे बीज अथवा नीम की ईंट की तरह मिटाकर आजादी का लहलाता उपवन साकार किया। मैं श्रृंखला में ऐसे ही सारे क्रांति वीरों को, बलिदानियों को, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए महानायक और नायकों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। अभी कुछ दिनों से मैंने उस पंजाबी सूरमाओं का एक लगातार कुछ शुरू किया हुआ है, उसमें अभी 4-5-6 और लेकर के, और कुछ अगर वो नहीं मिलते तो जो मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ जो YouTube में उपलब्ध नहीं हो पा रही, मेरे से दिख नहीं रही मुझे कहाँ गड़बड़ हुई है, तो भी 400 के ऊपर ये एपिसोड देने के बाद मैं फिर पिछले इतिहास को लूँगा। आइए, जो हमने शुरू किया है अभी उन पंजाबी सूरमाओं को, उन महान क्रांति वीरों को, कमाल एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार मैं आपके सामने रखता जा रहा हूँ। आज जिस महान क्रांतिकारी विप्लवी की हम बात करने लगे हैं, क्रांति के कर्मठ कार्यकर्ता रंगा सिंह, रंगा सिंह किसी ने नाम नहीं सुना, अमेरिका में गदर पार्टी का रूप बड़ा विशाल हो गया था, अमेरिका इसका केंद्र बन गया था, कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर और वर्मा, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान तक फैला था गदर पार्टी का जाल। लेकिन समय अनुकूल न था, कुछ समय परिस्थितियां भी तो होती है ना, इसलिए अगर समय वो अनुकूल होता तो जिस तरह की तैयारी थी तो भारत 1947 के बजाय 1915 के शुरू में ही स्वतंत्र हो चुका होता, हो गया होता, और वह आजादी 1947 में मिली आजादी से भिन्न होती। भाई कैसे भिन्न होती, उस पर मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू खानदान का प्रभाव कहीं भी नजर ना आता, जरूरत नहीं थी, इनका देश की आजादी के लिए सीधा बहुत बड़ा योगदान नहीं था, गांधी नेहरू को, गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू अंग्रेजों के पे रोल पे था, उसका फादर भी मोतीलाल नेहरू भी, और 1915 वाली आजादी ज्यादा चमकदार होती और वजन वाली होती, शुद्ध पवित्र होती, पर हुआ वही, उसे अब याद करने या उस पर रोने से तो कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ, पंजाब के क्रांतिकारियों को याद किया जाना जरूरी है ताकि उनकी कुर्बानियों का मूल्यांकन हो सके और आज वर्तमान तथा भावी पीढ़ी उससे शिक्षा और प्रेरणा ले सके। ऐसे ही विप्लवियों में, महान क्रांतिकारियों में एक थे रंगा सिंह। जलंधर जिले के खुर्दपुर गांव में सरदार गुरदत्त सिंह के घर में सन 1885 में जन्मे रंगा सिंह, कुछ समय स्कूल में पढ़ने के बाद सैनिक शिक्षा के उद्देश्य से, उन दिनों सेना में भर्ती होने के उद्देश्य से भी कुछ लोग जाते थे, तो सैनिक शिक्षा लेने के उद्देश्य से ये सेना में चले गए और 23 साल की उम्र में नौकरी भी छोड़ दी, अमेरिका चले गए। वहां वही गदर पार्टी, गदर प्रेस, गदर अखबार और गदर का प्रचार। मैं बहुत गदर के बारे में, गदर पार्टी के बारे में दे चुका हूँ, बहुत सारे क्रांतिकारियों का उसके साथ संबंध रहा है।
सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया, सभी को पता है। और शुरू होते ही अमेरिका में जो हमारे प्रवासी भारतीय रह रहे थे वो भारत लौटने लगे थे, तो गंगा सिंह भी भारत लौट आए। रंगा सिंह जिनकी आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, गांव आकर घर का इंतजाम प्रबंध ठीक ठाक किया और फिर वही गदर या क्रांति का प्रचार होने लगा गांव गांव में घूम घूम कर। 19 फरवरी 1915 में विप्लव करने की, क्रांति करने की योजना का भेद खुल गया था। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, 1857 के बाद 1915 का ये बहुत बड़ा प्रयास था, लेकिन एक बार ने इसका कई जगह कई बार भेद खुला और कई बार क्रांतिकारी पकड़े गए। जब इस योजना का भेद खुल गया तो हजारों भारत की स्वतंत्रता के दीवाने क्रांतिकारी पकड़ पकड़ कर लाहौर केंद्रीय जेल में ठूंस दिए गए। उन्हें छुड़ाने के लिए कपूरथला राज्य की एक मैगजीन बोलते थे, यानी जहां उनका एम्यूनिशन होता था, उसको लूटने की योजना बनी। लेकिन हथियारों की जरूरत थी और इसलिए बाला के पुल पर पहरा देने वालों को लूट कर शस्त्र प्राप्त करने के इरादे से जो टोली वहां पहुंची उनमें रंगा सिंह प्रमुख थे। रंगा सिंह जिस महान क्रांतिकारी की आज हम चर्चा कर रहे हैं, इरादा बदल दिया गया। चूंकि वहां जो सिपाही थे वो चौकस थे और इधर टोली में बहुत कम लोग थे, इरादा बदल दिया गया। लेकिन तभी रंगा सिंह ने कहा, यदि इसी तरह हम अपनी ताकत कम समझकर हर काम छोड़ते रहे तो कुछ भी ना हो सकेगा, हमें तो इन्हीं थोड़े लोगों और थोड़े साधनों से ही सामना करना होगा। हम जिस काम के लिए निकले हैं उस काम को हमको पूर्ण करना है। 21 दिसंबर 1914 से जब वे भारत की भूमि पर अमेरिका से आए थे और फांसी के दिन तक चैन से नहीं बैठे थे, एक एक दिन और एक एक कण एक एक क्षण उसी महान क्रांति का स्वप्न सजोए वो आगे बढ़ रहे थे। 26 जून 1915 को रात को जब वे एक शरबत वाले की दुकान पर सो रहे थे, ऐसे ही करना पड़ता था भाई, पुलिस को किसी ने बता दिया और उसने अचानक आकर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया रंगा सिंह को। फिर वही लाहौर सेंट्रल जेल, राजद्रोह का अभियोग, मुकदमा और फांसी की सजा। और फांसी पर झूलकर कुर्बानी, बलिदान, यही नियति थी उन लोगों की उस समय। आखिर में इन क्रांतिवीरों के लिए एक ही पुरस्कार इनाम था, वो फांसी था। फांसी के तख्ते पर हमेशा के लिए सो जाने वाले एक नहीं अनेक महान क्रांतिवीरों ने जिस प्रकार से अपने आप को देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए प्रस्तुत किया, आहुत किया, आजीवन काला पानी का की सख्त सजा, भयंकर सजा, जेलों के अंदर यातनाएं सहते हुए वहीं दम तोड़ गए, फांसी के तख्ते पर झूल गए। ऐसे उन असंख्य अल्पज्ञात और अनाम क्रांतिवीरों की पुण्य स्मृति को, जिन्होंने देश को जीवित, स्वतंत्र
समृद्ध बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को संविधा बनाकर राष्ट्र के स्वातंत्र यज्ञ की अग्नि को सदा प्रज्वलित रखा। ऐसे इन महान क्रांति वीरों को मैं आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि इतिहास नहीं इनके लिए कुछ भी बोल रहा। इनका अंग्रेजों ने आजादी के बाद सारा श्रेय कांग्रेस को और नेहरू और गांधी को देने के महापाप ने बहुत बड़ी वास्तविकता से भारत को अपरिचित रखा, दूर रखा वास्तविकता से। लेकिन वास्तविकता कभी छिप नहीं सकती भाई, देर सवेर सामने आती है। ये वास्तविकता प्रभु कृपा से मैं इस बड़े प्रयास में जुटा हुआ हूँ, लगा हूँ, और ये 1000 नायक नायिकाओं को जिनको कोई नहीं जानता, 800,000 साल का इतिहास आपके सामने रखूँगा, उन शूरवीरों को, महान क्रांति वीरों को, देशभक्तों को, भारत माँ के सपूतों को समय समय पर आपके सामने लाता जाऊंगा। उसका भाव केवल इतना ही है कि उनकी कुर्बानियां, उनके बलिदान, उनका वो भावना, उनकी वो साधना, उनका लगातार आखिरी क्षण तक लड़ते रहने का, जूझते रहने का और अंग्रेज सत्ताशाही को चुनौती देने का साहसी हिम्मती कार्य जो उन लोगों ने किए, वो देश की हर पीढ़ी को हर समय स्मरण रहे, ताकि आज जो चुनौतियां हैं जिन दुष्टों ने आज इस देश को फिर से कई तरीकों से, कई गद्दारों ने घेर रखा है, फिर कहीं गुलामी हमारे द्वार पर दस्तक न दे, इसके लिए भी जरूरी है कि इन क्रांतिकारियों को हम अपने सामने आदर्श पुरुष मान के, नायक और नायिकाओं को अपने सामने रख करके इनसे प्रेरणा लेते हुए, आज के गद्दारों को एक्सपोज करते हुए और आज की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इन सब महान क्रांतिवीरों को इस चैनल के माध्यम से आपके साथ लाने का, आपके सामने लाने का मेरा ये प्रयास। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।